गाजियाबाद में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। चोरों ने 20 लाख के गहने चुराए, 4 लाख के कुरियर से वापस लौटाए। चोरों ने दिखाई ईमानदारी, कुरियर से वापस लौटाए 4 लाख के गहने। 23 अक्टूबर को परिवार के साथ दिवाली मनाने गया था परिवार। गाजियाबाद में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दिवाली के दौरान अपना फ्लैट बंद करके बाहर गए परिवार के घर में घुसकर चोरों ने घर से करीब 20 लाख के गहने चोरी कर लिए थे, लेकिन उसमें से 4 लाख के गहने कुरियर के जरिए परिवार को वापस मिल गए हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि आखिर ये कुरियर किसने किया। मिली जानकारी के मुताबिक राजनगर एक्सटेंशन की फॉर्च्यून सोसाइटी में प्रीति सुरोही के फ्लैट में 20 लाख के गहने चोरी करने वाले चोरों ने 4 लाख के गहने कुरियर से वापस भेज दिए हैं। पुलिस कुरियर कंपनी के दफ्तर पहुंची तो पता चला कि चोरों ने कुरियर फर्जी नाम पते से किया है। हालांकि कुरियर करने आए दो युवकों के फोटो पुलिस को मिल गए हैं। ये दफ्तर के सीसीटीवी की फुटेज से तैयार किए गए हैं। अब इनकी तलाश चल रही है। दरअसल 29 अक्टूबर की दोपहर प्रीति सिरोही के फ्लैट पर एक कुरियर पहुंचा जो उन्होंने बुक नहीं किया था। प्रीति और उनके बेटे ने इसकी पुलिस को सूचना दी। कुरियर खोला तो उसमें प्लास्टिक के डिब्बे और पर्स में चोरी हुए करीब 4 लाख की कीमत के गहने निकले हैं। प्रीति के बेटे हर्ष ने बताया कि उनका पहले आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम था, वही सोने के कुछ गहने घर में रखे थे। चोर 23 अक्टूबर की रात सोने के गहनों के साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ले गए थे। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन स्थित फॉर्च्यून रेजिडेंसी निवासी प्रीति सिरोही 23 अक्टूबर को परिवार के साथ दिवाली मनाने गांव गई थी। 27 को वापस आने पर उन्हें चोरी का पता चला था। सोसाइटी में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि 23 अक्टूबर की रात ही प्रीति के फ्लैट में चोरी हुई थी। फुटेज में एक चोर उनके फ्लैट में जाता नजर आया है। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद चोर करीब 2:20 पर फ्लैट से निकला। चोर प्रीति के बेटे के स्कूल बैग में ही गहने और नकदी भरकर ले गए। पुलिस के मुताबिक कुरियर हापुड़ से भेजा गया था। कुरियर कंपनी का रिकॉर्ड और फुटेज खंगालने पर पता चला कि दो युवक कुरियर कंपनी के कार्यालय में कुरियर करने आए थे। कुरियर राजदीप ज्वेलर सराफा बाजार हापुड़ के नाम पते से भेजा गया था। पुलिस दिए गए पते पर पहुंची तो इस नाम की कोई दुकान नहीं मिली और उस पर दिया गया मोबाइल नंबर भी फर्जी निकला। सीओ द्वितीय आलोक दुबे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीएन न्यूज़।